बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबियिल उम्मी वालिहि वसहबिहि वसल्लम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं अख्तर अली हूँ। आज एक नई इन्फॉर्मेशन आई है हमारी जो पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी है उनकी जानिब से, जो लोग पाकिस्तान में इंटर होंगे उनका जो कोरोना टेस्ट है उसके हवाले से ये स्टेटमेंट आज उन्होंने जारी की है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उन्होंने सब मुल्कों को, सब कंट्रीज़ को तीन कैटेगरी में तकसीम किया है। कैटेगरी ए के जो लोग हैं, जो कंट्री हैं, उनका कोरोना का टेस्ट नहीं होगा जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पे। कैटेगरी बी में जो लोग हैं, उन लोगों को जिस कंट्री से वो ट्रैवल करेंगे उन्हें 96 आवर्स पहले यानी 96 घंटे पहले वहाँ पर कोरोना का टेस्ट करवाना पड़ेगा। कैटेगरी सी में जो लोग हैं उनको जब वो पहुँचेंगे पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर उनका टेस्ट यहाँ पर होगा। तो ये सारी जो डिटेल है मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। आइए चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे। और बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जिन्होंने मुझे सपोर्ट की। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो है और भी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर की जा सके। मेरे साथ रहिए और चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, मोबाइल की स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफरों के लिए नया सफरी हदायतनामा जारी, सिविल एविएशन अथॉरिटी। इस्लामाबाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफरों के लिए नया सफरी हदायतनामा जारी कर दिया है। सी के डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट की जानिब से नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफरों को कोरोना के हवाले से तीन कैटेगरी में तकसीम किया गया है। कैटेगरी ए के मुवालिक की तादाद 22 से बढ़ाकर 24 कर दी गई और जापान, फनलैंड, मलावी और नामीबिया को ए कैटेगरी से निकाल दिया गया है। सिविल एविएशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कैटेगरी ए में नार्वे, जनूबी सूडान, टोगो, यूरोगे, जैम्बिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, मालदीव, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, साउथ कोरिया और सऊदी अरब शामिल हैं। इसके अलावा सिनेगल, श्रीलंका, वियतनाम और क्यूबा भी कैटेगरी ए में शामिल हैं। कैटेगरी ए में ए मुसाफरों को कोरोना टेस्ट से इस्तिस्ना हासिल होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक कैटेगरी बी वाले मुसाफरों के लिए कोरोना टेस्ट करवाना लाजमी करार दिया गया है। बी कैटेगरी के हामिल मुसाफरों को सफ़र से कबल 96 घंटे के अंदर कोरोना टेस्ट करवाना लाजम होगा। इस तरह कैटेगरी सी वाले मुसाफरों को मुल्की एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट करवाना लाजमी करार दिया गया है। सिविल एविएशन की जानब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नए SOPs पर तमाम बैन अल-अक़वामी एयरलाइन, चार्टर तैयारों और दीगर फजाई कंपनियों पर लाजम करार दिए गए हैं। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफरों को हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म पूर करना लाजमी होगा। CA की जानब से जारी नई एडवाइजरी 16 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 तक नाफज़ अल अमर रहेगी। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।